हम लोग पूर्ति जुड़ी हुई है एनबीसी छत्तीसगढ़ में बयान करना चाहूंगा, क्योंकि खेल अनिश्चितताओं से भरा होती है। किसी भी टीम को न कम न ही ज्यादा उसको आंकना हमें बहुत ज्यादा फेवर में उनकी बात करनी है। हालांकि यह दोनों ही टीम अपने हैं और एक बेहतरीन खेल खेलने की हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे, लेकिन उस बेहतरीन खेल के मुकाबले में कौन सी टीम पहले मैदानी गोल लगेगी, ये हमें इस परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। के साथ अब सभी फैंटास्टिक ऑडियंस है, सभी ऑडियंस को पुनः एक बार हमारे इस कमबॉक्स से और मैं सबों के साथ जुड़ चुका हूँ, जहाँ हर इस मैचेस का जो फोकस किया जा रहा है, जो मैच का जो हर घटना को घटित को जो अंजाम एक प्रचार और प्रसार के साथ आप सबको रोमांचित करा रहे हमारे को कमेंटेटर विश्वनाथ वर्मा, उनको भी हम बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आज के इस मुकाबला में शुरुआत ही समय से हमारे साथ बने हुए हैं और आज का जो अंतिम मुकाबला तक बने रहेंगे। तो चले पुनः फिर से इस मुकाबला, तो दोनों ही टीम ब्लू व्हाइट कॉम्बिनेशन मिक्स कलर के साथ यहाँ पर टीम में खेल रही है, लेकिन बाकी बातों में देखना होगा कितने हमें प्रेरित करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर एनबीसी तितिर बिला हाफ वेलन को क्रॉस करने के बाद एक छोटी सी पास बाबू के लिए, लेकिन बाबू थोड़े आगे निकल चुके थे, यहाँ पर रिकवरी करना चाहेंगे। 13 नंबर के खिलाड़ी सफल रही, यहाँ पर क्रॉस हुआ लेकिन यहाँ पर भी की हल्के से कितने कैजुअल मोमेंटम को क्रिएट करना चाहता था, यहाँ पर एक गोलकी के साथ नहीं बेहतरीन खिलाड़ी टीमों में जब शामिल हुई है तो शायद यहाँ संकटजनक होगी कि एक स्कोर या दो स्कोर हमें देखने को आता है कि जब टीमों में सभी जवान खिलाड़ी अंडर टीनेजर्स खिलाड़ी से 20 से 25 साल के खिलाड़ी जब टीम में शामिल हुए तो बात कहा जाता है कि अगर एक नहीं दो नहीं चार गोल नहीं दागेंगे तो क्या इस जवानी को अचार बना डालेंगे, तो इस बात की तरह हम जिक्र करना चाहेंगे। फिलहाल एक नई जोरदार अंदाज के साथ मैच को खेलने की कोशिश करता इस समय दोनों की टीमें। और इसमें बैक वॉली लगने की कोशिश सफल भी रही यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन बैक वॉली किक यहाँ, लेकिन यहाँ पर गेंद के साथ 2 मिनट को कट करने के बाद एक थोड़ा सी इसको ले जाने का प्रयास करना चाहेंगे, एक का प्रयास लेकिन भर नहीं फोड़ सकती, वही कहा बात यहाँ पर सबित हुए। पुनः पर बाबलू साथी खिलाड़ी की 11 नंबर और अच्छी ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग के बाद देखना यह चाहेंगे कि कितने बेहतरीन खेल को खेलेंगे, लेकिन फिर जो के त्यों यहाँ पर एनबीसी तितिर बिला पुनः फिर से तितिर के कब्जे में गेंद, यहाँ पर दाने छोर से आक्रमण करने की कोशिश करना चाहेंगे। यहाँ 13 नंबर के बाद 14 नंबर, अच्छी कॉम्बिनेशन 13 के बाद 14 बाबलू पूर्ति खेल खेलना चाहते थे। बाबलू पूर्ति जब टीम में शामिल हुआ तो थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वह मैच में चाकाचौंध होगी, एक अच्छी रणनीति के साथ मैच को एनबीसी तितिर बिला खेलना चाहेंगे, लेकिन देखना होगा कितने अपने कला और यहाँ पर एक अच्छा मौका बन सकता था, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गति बहुत ज्यादा था, विकी पुरता से वो गेंद को छू नहीं पाए, जैसे वो पॉप के करीब आए तब तक उससे पहले गेंद निकल चुकी थी। नतीजा एक दम और खाम के साथ में टीम को शेप करने में सुरक्षित बनाने में सफल हो पाएंगे या नहीं, थोड़ी सी यहाँ पर 19-20 के आंकड़े पे खेल का यहाँ पर परिणाम नजर आ रही है। फिलहाल एनबीसी तितिर बिला अपने पाले में गेंद को कुछ हद तक रखने में सफल जरूर हुई, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बना रही है, अच्छी टीममेट की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर फिर से मौका बनेंगे।